नानक गुरु
ताकत तो मूल विच है, जड़ विच है, उत्थों टाणी लियांदी है जड़, जड़ विचों ताकत शक्ति, ते उसे शक्ति नाल टाणियां नूं बूर लगदा है, उसे शक्ति नाल अंबियां बनदियां ने, उसे शक्ति नाल उस टाणी नाल लगे हुई अंबियां अंब बन के पकदियां ने। निर्भर मूल ते, जे कोई मूल नालो टाणी नूं कट लै भी चलो इहदे नाल बूर ते लग गया, इहनूं बूर समेत कट लां जां अंबियां बन गईआं ने इहनूं अंबियां समेत कट लां ते ओह अंबियां अंब वांगू पक जांदियां, बिलकुल नहीं। टाणी आवाज़ देगी, भरिया मेरी शक्ति नहीं पकाण दी, मैं भी किसी को शक्ति लिया के अंबन देनी है। बस यो फंक्शन गुरु का है, वो आखद जैसी मैं आवे खसम की वाणी मेरे नाल जुड़ने जुड़े ने जरूर अंब, सिख मेरे नाल जुड़िया हुआ है, गुरु नाल जुड़ना सिख का जरूरी है। टाणी है पर गुरु भी हो जिहड़ा रब नाल जुड़िया होवे, आखे मेरी शक्ति ने मैं उत्थों लियांदी है, ते जिहड़ा गुरु आखे नहीं मैं ही रब हां, उहदे नाल लगी हुई टाणी ते उहदे नाल लग्गिया होया कोई अंब नहीं पक सकदा, क्योंकि गल विचों गल लगी तुरदी। इसलिए ख्याल करियो सिख टाणी नाल गुरु रूप टाणी नाल जुड़दा है, जरूरी है। जड़ नूं तां अंब लगने ही नहीं, अंब तां टाणी नहीं लगने, जुड़दा है। पर ओह टाणी उन रब नाल जुड़दी, ओहदियां शक्तियां लिया के प्रदान करदी, उहदे नाल उहदा जीवन बणदा है। हुण देखना यह है कि जदों टेस्ट शुरू होंदा है, जदों इम्तिहान शुरू होंदा है, उदों मूल नहीं डोलदा, डोलदियां टाणियां ने, डोलन। हुण टाणियां ते उहदी झोल सहार जांदियां ने, मूल नाल जुड़ी हुई ने, पर उहदे नाल लगा होया बूर ओ चोल भी सहार सकदा। फर्क बेफिक्री है, गुरु रब नालों बिल्कुल नहीं टुटदा, नहीं टुटदा। सिख कई बार डोल जाता है, उन समझाने लई बाबा कबीर जी का ख्याल है, समझाने लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने एक थां ते नहीं अनेक थावां ते कुछ एग्जाम्पल दित्तियां ने। कहिंदे कहिंदे ने एक ख्याल करी, जिहड़ा भी टाणी दे डोलन नाल झोके नाल, टाणी ने तो टुटना नहीं सिर्फ झोका ही लैना है, वह भी तैनू परखण लई, तू टाणी नूं छड्ड दे कि नहीं छड्डदा, तेरा टेस्ट है। किसी तूफान दे किसी अंधेरी दे झोके नाल तू गुरु नूं तां नहीं छड्ड जांदा, टाणी नाल तां नहीं टुट जांदा। अक्सर साडा टेस्ट की है, ते इहो गल बाबा कबीर जी ने रात संखेप समझाई सी, फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाए पहुंचो खसम को जाए पहुंचे खसम को, जो बीच ना खाई कांप जे कंबिया ना, जे डरिया ना, क्योंकि हर औकड़ जिहड़ी है जिंदगी दी ओह मनुख नूं कई बार मजबूर कर दिंदी है, इन्नी सहन शक्ति नहीं हुंदी। उस चोट नूं उस झोल नूं उस तूफान नूं सह सकते, उसे का जवाब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो रात आप हुक्मनामा लिया, तो हुक्मनामा यह आया
मन विच सोचिया उसे दे रूप नूं लै के अगे तुरे ने कि टेस्ट विचों पास किवें होना है। दुख कई बार टेस्ट हुंदा है, जे दुख आवे ही ना मनुख दा पता किवें, पता ही दुख दा, दुख वेले लगदा है किसे दे प्यार दा किसे दे स्नेह दा, दुख वेले गरीबी वेले पता लगदा है। सुख में बहुत संगीम है, दुख में संग न कोई, पता तो दुख वेले लगना है। जदों कोई औकड़ आउणी है उदों पता लगना तेरा किन्ना क सिदक है रब ते, किन्ना किन्ना क तेरा प्यार है गुरु नाल, तू टुटना है कि नहीं टुटदा। रात वी लफदा सन कि अज भी देश विच एक तूफान चलिया होया जिंदे सामने पता लगना चाहिदा है भी सिख किन्ना क मजबूत है गुरु नाल जुड़िया होया। ये टेस्ट है उस फल फलन वाले अंब वांग। हुक्मनामा आया उनके भी यो टीचर्स कह लगे हस्ते सिर जो अंक सुहा उनके सामने एक दुख है, आखिर अंक साथी भी दुख ते है ना, हाथी भी दुख ते है ना, पर उस दुख नूं हुक्म समझ लैंदा है। बस आ फर्क, जे उस दुख तो घबरा के भरा हाथी बेवारा हो जाए अंकस तो तबाही आ सकता है, महावत उनके सामने कुछ भी नहीं। पर उसके उल्ट तबाही नहीं लिया, हुक्म भी चलन की आदत बनाऊंदा। वो समझदा भी जे महावत ने मेरे उत्ते बैठ के कोई अंकस मारे है तो मैनू किसी राह तोड़ना चाहता उधर तुर पैंदा। जे महावत दे कुंडे नाल गुरु ने यह गल बाणी विच भी आख दित्ती, होर थां ते भी आख दित्ती, कहण लगे मन कुंचर मन कुंचर पीलक गुरु, मन हाथी है पीलक महावत तो गुरु है, ज्ञान का कुंडा उनके हाथ विच है, वो मारदा मारदा ते जदों विश्वास करो जदों ज्ञान भी जागदा है। एक बार मन कोई सौखा नहीं जाग पैंदा, पर जेड़ा रब्बी हुक्म समझदा है ना गुरु दे ज्ञान नूं, वो अपना उस ज्ञान दे कुंडे दी सेध ते अपना राह बदलदा है, सेध बदलदा है। कहता नहीं गुरु ने जेड़ा ज्ञान दा कुंडा मेरे सिर ते रखिया ना इन्हें मैनूं जरूर एक चंगे राह पाणा है जिथे मैं आप भी सुरक्षित होवांगा। गुरु कहते ने मन कुंचर पीलक गुरु, ज्ञान कुंडा जय खिंचे तै जाए, ज्ञान कुंडा जय खिंचे तै जाए, नानक हस्ती कुंडे तो बेवारा हो जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पा, इसलिए हाथी दे सिर ते जिवे अंकुश है ओनू जदों लगदा दुख हुंदा है, पर ओ दुख नहीं हुक्म समझ गए। दूजा दृष्टांत कहन लगे जिवें अहरन लोहे दा ओ टुकड़ा, अहरन ते अहरन दो लफज ने कुर्बानी विच भी नहीं, अहरन
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ਕਲ ਸਭ ਕੁਛ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਥੌੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਹਿਮ ਤੇ ਲੋਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹਾਰ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਆਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਨ ਅੱਗ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਉਸ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਤਪਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਪਾਏ ਠੰਡੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਐਰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੌੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਹਾਰ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਐਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗ ਦੀ ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ? ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਗਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਹਿਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਪਿੰਗਲਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਸੁਨਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਢਾਲਦਾ? ਵੀ ਮੈਂ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਬਦਲਦਾ? ਲੁਹਾਰ ਨੇ ਵੀ ਥੌੜੇ ਨਾਲ, ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਐਰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਪਿੰਗਲ ਛਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਤੇ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਪਿੰਗਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਢਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਲ ਰਹੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂ ਆਰਨ ਲੋਹਾ ਪਾਏ ਭੰਨ ਕਢਾਈਏ। ਭੰਨਣਾ ਕੀ? ਤੋੜਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਘੜਨਾ ਕੀ? ਐਰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ ਆਰਨ ਪਾਏ ਭੰਨ ਕਢਾਈਏ, ਭੰਨ ਕੇ ਕਢਾਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ, ਐਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੱਤ ਦੇ, ਨਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੜ ਦੇ। ਤੇ ਐਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਪਿੰਗਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੇਪ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਰਨ ਸਹਿ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪਵੇ, ਇਹ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਟਾਂ ਸਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹ ਐਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
सत सही ने पर जो कोई आ रहा सवाल करे भी तू सारी जिंदगी मैदाना दथौड़िया दट्टा सहता रहे तेरा की बनया करा कि मैनू मेरे गुरु ने सिखाई है मैं अपने लिए सट सही मैं तो सट्टा किसी के घड़न सहता रहा किसी की वैल्यू बन जाए किसी की कीमत पै जाए किसी का रूप बन जाए मेरिया सट्टा मेरे दुख मेरा टेस्ट जोड़ा किसी लिए है एरन ने सारी जिंदगी सट्टा सहियां किसे लई आपा वारिया ते गुरु कहिंदे ने पढ़िया ये दो गल्लां सिख लै ये भी टेस्ट है ओ की हस्ती सिर जो अंकस है हस्ती सिर जो अंकस है एरन जो अपनी कुर्बानी अपना आप का त्याग अपने लिए नहीं संसार नू समाज नू किवें सुधारन उन्नू की रूप देना उन्दे लिए तू आपा वार मन ते तन गुरु अगे रख गुरु टेस्ट विच दुखा विच तैनू ए ना नजर आवे कि मेरे सामने दुख ने ए समझे कि मैनू आरन विच रखिया गया मैनू कोई रूप देना है जे लोहा आरन दी अग्नि तो डर जाए उनका कुछ कड़िया जाएगा जी ऊपर आरन दे अग तो भर जाए डर जाए की बनेगा कुछ नहीं जे सोना कुठाली की अग विचों डर जाए टेस्ट है जे कुठाली की अग तो डर जाए सोना डर जाए मैं कई बार करता कि सोने का भावे तुम 10 किलो का वड्डा इट का रूप ले लो और लोगों की हथे दौड़िया में पिया है सजा खूबसूरती तो नहीं बननी उन्हें किसी का शिंगार नहीं बन सकना है सुनना कोई ना की पता कि कोई अमीर है कि नहीं किसी की अमीरी खूबसूरती दोनों चीजा बनाने लई उस सोने नू कुठाली विच जाना पड़ेगा सुनार फिर कुठाली विच पा के उन्हें रूप देवेगा जे वो अग तो डर जाए कुठाली विच ही ना जाए ते की बनेगा जे लोहा अग तो डर जाए ते आरन विच ना जाए की बनेगा कुछ नहीं ते गुरु कहिंदे ने इसे तरह एक ख्याल रखी गुरु दे सामने जदों तू मन तन अगे रखे ना उदों आपा त्याग दे ये ना सोची कोई दुख ना मेरे ते गुरु तो एवें नहीं कह दिता जो ना दुख में दुख नहीं माने जो ना दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पह नहीं जाके कंजन माटी माने आपा त्याग कहन लगे इसलिए हस्ती सिर जो अंकस है एरन जो सिर पे मन तन आगे रख के जिवें सोने ने सुनार दे सामने आपा रख दिता है समर्पण कर दिता है उन्हें उन्हों अग विच रखे है कुठाली विच पाया है कुछ कुछ तो करेगा ना जिवें लोहार दे सामने लोहे दे टुकड़े ने आपा रख दिता है ते उन्हें उन्हों अग विच रख लिया है वह कहता कोई हल नहीं अग तो मैं नहीं डरता मेरा कुछ तो कढ़िया जाएगा ना कहन लगे इस तरह जदों तू गुरु नाल जुड़ना है ना टाणी नाल किवें जुड़ना है अपने
जो तू गुरु नाल जुड़ना है उदो गुरु ने करना है। तो जे कोई दुख तकलीफा तेरे टेस्ट वजो आने जोड़िया ने सुनार दे सोने वांगू लोहार दे लोहे वांगू एक साबत दिली सिदक रख के जो कुछ भी मालिक दे हुक्म विच हो रहा है मेरी खुशी लई मैनू कुछ बनाण लई हो रहा है। मैनू सुनार खत्म नहीं करना चाहता, मैनू लोहार मिटाना नहीं चाहता, कुछ बनाना चाहता है। इसलिए गुरु नाल जुड़दे आ जे चखड़ चांगी रात भी लहदाया सी चखड़ चांगी भी बरसे पी गुरु देखण जाई सुबंध सागर होवे मौखारा गुर सिख लंघ गुरु पजाई रात भी लहदाया सन कि गलियां चिकड़ दूर घर नाल प्यारे ने हो जा चलो तब जे कंबली रहा ता तुपे ने हो। ते अगली लाइन सी मैं ये नहीं मंगदा कि मेरी कंबली ना भिजे, मैं ये नहीं मंगदा कि हे अल्लाह तू बारिश मीह पौना ही बंद कर दे, नहीं तू मीह पाई चल तू अगन बाली रख तू मीह पाई चल मेरी कंबली भिजदी रहे पर मैनू इन्नी दृढ़ता दे इन्ना विश्वास दे कि मैं इहदी भिजी हुई कंबली विच ते वरदे मूंह विच गलियां दे चिकड़ नूं वी चाक के तेरे दर दा राह ना छड्डां। कह लगी जो सिजो कंबली भिजो सिजो कंबली अल्लाह से मैं जाए मिलती न सजना जाए मिलती न सजना टूटे नहीं हो इम्तिहान है विश्वास करो ज्यों ज्यों मनुख इम्तिहाना विचों पास होंदा है त्यों त्यों उनकी वैल्यू बढ़ती है। इसलिए इम्तिहान तो कभी घबराना नहीं राह नहीं छड़ना। गुरु ने एक थान ते नहीं अनेक थावां ते एग्जाम्पल दित्तियां सतगुरु एक थान ते कहन लगे वेल पंजा कतूना कपड़ा की ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਪਾਹ ਹੀ ਸੀ ਨਰਮਾ ਸੀ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਜ਼ਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੜੇਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨਰਮਤਾ ਕਪਾਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੁੜੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੜੇਵੇਂ ਕੀ ਨੇ ਕਪਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੜੇਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਤੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਕਿੱਡੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜੇ ਨੇ ਪਿੰਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਰਖੇ ਦੇ ਤਕਲੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਕੱਤ ਕੱਤਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਰਖੇ ਨਾਲ ਕੱਤਣਾ, ਤੇ ਚਰਖੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਲ ਵਰਗਾ ਤਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਵੇਲ ਪੰਜਾਇਆ ਕੱਤ ਬੁਣਾਇਆ ਕੱਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਣਿਆ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਭ ਚੜਾਇਆ, ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕਰ ਖੁੰਭ ਚੜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਵੰਡੇ ਕੈਂਚੀ ਪਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਲੋਹਾ ਵੰਡੇ ਦਰਜੀ ਪਾਲੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਸੀਵੇ ਸੂਈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੰਨਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਪੱਤ ਪਾਟੀ ਸਿਫਤੀ ਜੀ
फिर वो किसे दा पर्दा कजन जोगा किसे भी पत ढकन जोगा बन गया केडी मानता मिली पर चलिया कितो किन्ने इम्तिहान पास किते किन्ने टेस्ट में चल गया तू घबरा जाए भी गुरु दे दर ते जे मेरे गुरु दे रहा ते चल दे मेरे ने उस कोई औकड़ आउंदी ते मैं छड़ मैं गुरु को कोई लेना अपने आप को मजबूत कर श्री गोविंद साहब की बाणी दा एक होर शब्द है गुरु कहंदे अरे मन बीग ना डोली है वो मन कमजोर ना पाए टेस्ट है अनेक आते गुरु दे राते भी आते हैं पर वेखने तू गुरु नाल किन्ना के जुड़ के रहना है ओकड़ा होने का अपनी सुनानियां पै जानी जदों इस राह तुरिया तलवारा वाले भी आए जो आसनसोल पहला हमारा होया तकरीब 50 आदमी तलवारा लेके आए हुए सन वो समय की वीडियो भी किसी ने बनाई पई यूट्यूब पे तकरारा वाले भी आए मंदा कमंदा बोलन वाले भी आए ताकि गुरु की गल छड़ दी ये तो गए मैं कुछ अपना कहना था मैं रोक लो मैं छड़ जाना पर जे श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी समझन लग्या भी कोई औकड़ आती है तो भी सतगुरु ने बाणी अंदर बड़ा खूबसूरत एक अगवाई की लफज दिता है कहते रे मन बिल्कुल ना डोली किसी औकड़ तो डरी ना सिद्धा तुरिया चल गुरु वाले भावे अगले पास एक लफज बरते ने कहते ने भावे कोई तेनू ये दिखावे कि तू पिछा भी नहीं मुड़ सकता अगे भी नहीं जा सकता इसलिए अपना राह छड़ दे लफज की ने पाछे बाघ डरावनो आगे अगन तलाओ बाघ एक ओ जानवर है जिहदा शेर की नस्ल विचों सब तो ज्यादा खतरनाक है बड़ा जालम है उन बाघ कहते हैं जंगल में कहते हैं भला जे तेनू कोई आखे जे पिछा मुड़ेगा तो पिछे भी बाघ है ये अगे वधन की कोशिश करेगा अगे भी अग का तालाब है अग का कुंड की करेगा छड़ दे रखते ही छड़ दे जा इन्ना ना अगे जाना पिछे जा गुरु कहते हैं सहसे जियो जीड़ा पर रहे हो मन बड़ा फिक्र विच हो गया ना मैं अगे जा सकना ना मैं पिछे जा सकना मनुख के जीवन में कई बार ऐसिया औकड़ा ऐसे इम्तिहान सामने ले आ जाते हैं कि किसी तरह सिख गुरु का रस्ता छड़ देंगे मेरी अपनी जबानों भी गुरबाणी कहती है कहते हैं रे मन दीग न डोली है सीधे मार्ग दहाओ ढाओ की दौड़ चल पौधे नौ तेज कर सिद्धा गुरु वाल होके तो बिल्कुल डरना जे तेनू कोई ये भी आखे ना भी पिछे बाग है ते अगे अगन का तलाब है तो किधर जाएगा एक और भी शब्द है जिसे लफज ने अगाह को उतरांग पिछा फेर ना मोड़ा पिछे मोड़ के मोड़ा फेरन का मतलब होंदा है मोड़ने वाल होके पिछा देखना भी मेरे पिछे तो कोई खतरा नहीं ते जे नहीं खतरा तो पिछा मुड़ जावा कहने पिछा मुड़कर वेख भी ना गुरबाणी ने मैं हैरान हूं गुरबाणी ने कैसिया कैसिया मजबूत इरादे देने वास्ते तो दिल नू मजबूत करने वास्ते कैसिया कैसिया एग्जाम्पल दित्तियां ने
ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕੂਤਰਾ ਪਿਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜਣਾ, ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਨਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਿਰਜ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੇ ਮਨ ਦੀਗ ਨਾ ਡੋਲੀਏ, ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਦਾਓ, ਪਾਛੇ ਬਾਗ ਡਰਾ ਮਨਾਓ, ਅੱਗੇ ਅਗਨ ਤਲਾਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਸੇ ਜੀਆ ਪਰ ਰਹੋ, ਸਹਿਸਾ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਢੰਗ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਗ ਡਰਾਵਣਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤਲਾਓ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਢੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਉ ਰੰਗ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਉਹੀ ਲਵਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰੱਥ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਾਏ ਪਹੁੰਚ ਕਸਮ ਕੇ ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਈ ਕਾਮ, ਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਗਿਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਸੇ ਜੀੜਾ ਪਰ ਰਹੋ, ਸਹਿਸੇ ਜੀੜਾ ਪਰ ਰਹੋ, ਮਾਂ ਕੋ ਆਵਰ ਨਾ ਢੰਗ, ਮਾਂ ਕੋ ਆਵਰ ਨਾ ਢੰਗ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਗ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗਾ, ਅਗਨ ਦਾ ਤਲਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਰੰਗ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰ ਬਿਖਮ ਹਰ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹੂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਭਾਲੀਦਾ ਕਿਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਔਕੜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਖੜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ, ਹਸਤੀ
सुनार दे समर्पण हो जाता है। फिर कुठाली तो नहीं डरता, फिर जिमें लोहा लोहार दे समर्पण हो जाता है, फिर आरम की अग तो नहीं डरता। उन्हें पता है भी ये तपाना मेरे नुकसान विच नहीं, ये तो मेरा टेस्ट है, मैनू तो बनाना चाहता है। इसलिए फिर उन्हें किसी सिक्योरिटी की लोड़ नहीं पैंदी, वो डरता सरकारा को सिक्योरिटी नहीं मंगता। वो कहना मेरा मालिक जिंद जे मैनू ओंदे किसे कीते काम ते ओंदी किसे मर्जी ते विश्वास ना होवे कि मेरे भले लई हो रहा है, ता मैं किसे सरकार को सिक्योरिटी मंगा। पर मैनू ते अपने गुरु ते ही विश्वास है कि जिस टेस्ट विच जिस इम्तिहान विच मैनू वो पांदा है वो मेरे भले रही। जिमें एरन जिहड़ी है वो ही अपना जीवन किसी पुरजे नू घड़न लई आप सट्टा सहिंदी है, अपना उन्हों कोई लोड़ नहीं बनन दी कोई, जे उन्दे कोलों कोई पुछदा भी है ना एरन एनी सट्टा सहत तेरा की बनिया, वो कहती नहीं मैं अपने लिए सही है ही नहीं। गुरु कहते मन तन आगे रख के मन तन आगे रख के तू भी सेव करे आप समर्पण करता है। जिंदा दिलों ही साबित नहीं, साबित दिली नाल दृढ़ता नाल विश्वास नाल गुरु दा बन जाना ये होई मंजिल है। इन्हां शब्दां नाल फिरमांदा जा चुका फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा।